लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। 90 के दशक में धमाल मचाने वाले सुपरहीरो शो शक्तिमान को भला कोई कैसे भूल सकता है। मुकेश खन्ना ने अपने इस शो में शक्तिमान और गंगाधर का किरदार निभाया था, जो बच्चों के बीच खूब पॉपुलर हुआ था। लॉकडाउन की वजह से दूरदर्शन पर कई पुराने शो शुरू हुए हैं, ऐसे में कुछ समय पहले ही शक्तिमान भी शुरू हुआ है। इसी बीच ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि शक्तिमान का दूसरा पार्ट भी आएगा। इन खबरों के आने के बाद फैंस मुकेश खन्ना को नए वर्जन के शक्तिमान के लिए नाम सजेस्ट कर रहे हैं। स्पॉटबॉय की रिपोर्ट के अनुसार मुकेश खन्ना को लगता है कि टाइगर श्रॉफ शक्तिमान का रोल के लिए फिट नहीं बैठेंगे। उनका कहना है कि टाइगर का चेहरा धार्मिक फील नहीं देता है। मुकेश खन्ना ने कहा, एक्शन की वजह से शक्तिमान फेमस नहीं हुआ था। ये सुपर पावर्स, मैसेज और जिंदगी की वैल्यू को लेकर नोटिस किया गया था। मुकेश खन्ना ने यह भी कहा कि सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन या अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार्स भी शक्तिमान नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी पहले से ही एक इमेज है। मुकेश खन्ना ने यह भी कहा कि वे खुद शक्तिमान का रोल प्ले करने पर जोर नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात पर जोर देना है कि नए वर्जन को कैसे परोसें। मुकेश खन्ना ने यह भी कहा कि शक्तिमान का नया वर्जन एकता कपूर की महाभारत जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, जो उन्होंने 2008 में बनाई थी। द्रौपदी के कंधे पर टैटू लगा दिया था। बता दें कि मुकेश खन्ना अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू के दौरान मुकेश ने सोनाक्षी सिन्हा पर कमेंट किया था। मुकेश खन्ना ने कहा था कि जिन्होंने पहले रामायण नहीं देखे, उन्हें अब ये जरूर देखना चाहिए। यह सोनाक्षी जैसे लोगों के लिए मददगार होगा जिन्हें हमारी पौराणिक कथाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनके जैसे लोगों को यह भी नहीं पता कि भगवान हनुमान किसके लिए संजीवनी लेकर आए थे।